भाई कहिए, छोटा भाई कहिए, कजन कहिए, दोस्त कहिए। और हमारे सामने दो चेहरे मौजूद है, विद्यार्थी कहिए, छोटा भाई कहिए, कजन कहिए, दोस्त कहिए। अतुल कुमार राणा और सजार हमारे मित्र है, चुन्नू बाबू उनके भतीजे और एक छोटे भाई समान सजार, और दोनों का अंतिम रूप से बिहार दरबार में चयन हुआ है। पहले बहुत बहुत बधाई इन दोनों को। आप सभी लोगों को कहते हैं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन निश्चित रूप से मिलती है। हम पर कहेंगे तो थोड़ा सा अगर अपनी सफलता की कहानी, सफलता की नहीं संघर्ष की कहानी, सफलता की कोई कहानी नहीं होती, कहानी होती है संघर्ष की। इंसान संघर्ष में अकेला होता है, सफलता में तो सब साथ होते हैं। तो जिस समय ये अकेले थे, दोनों चेहरे संजान हो गए, अतुल हो गए, हम दोनों को कहना चाहेंगे कि अपने अपने शब्दों में जो भी है इनकी तैयारी के दौरान, इनकी क्या कहां कहां परेशान हुए, किस टॉपिक में कमजोर पड़े, किस चीज को किए, जहां पे उनका वीक पॉइंट था उसको कैसे रिकवर करे, अगर खुद अपने शब्दों में कहते हैं तो आप लोगों को भी ज्यादा खुशी मिलेगी और हम तो खुश ही है जी। सिलेक्शन हुआ हम तो ज्यादा खुश। अतुल से शुरुआत करते हैं, छोटे भाई अतुल, आप जो तैयारी करते हैं अपनी तैयारी को ऐसे बनाए रखें, लगातार ये भी चीज को करने के लगातार रहना पड़ता है। अगर आप चाहेंगे कि दो दिन में, तीन दिन में, एक साल में सफलता मिल जाए तो नहीं होता है। हमने कई बार आपको एक दिन, छह महीना, एक साल नहीं सुनता है इसमें। इसके लिए होता है किसी किसी का जो अगर बहुत बढ़िया लग है तो हो सकता है कि पहले ही राउंड में, पहले ही इंटरनेट का क्लियर हो सकता है, लेकिन बहुत से बहुत कम लोग होते हैं जिनका पहले राउंड में पूरा क्लियर हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत काफी मेहनत करना पड़ता है, काफी संघर्ष करना पड़ता है। इसमें आपको जब तैयारी करते हैं तो बहुत तकलीफ होता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तैयारी करते समय किसी पारिवारिक प्रॉब्लम हो जाएगा या किसी अन्य रूप से प्रॉब्लम हो जाएगा, आर्थिक से प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होगा। ऐसे में सभी लोग अच्छे फैमिली से होंगे तो मीडियम फैमिली से होंगे से होंगे तो उसमें बहुत सा प्रॉब्लम आता है जो हम लोग तैयारी करते हैं। और तैयारी के बीच में जब असफलता हाथ लगती है तो कुछ हम मतलब से या एक नंबर से छूट जाते हैं तो उस समय तो मन करता है कि छूट दे आत्महत्या कर लेते हैं। उसे नौबत आ जाता है कि जब हम दशमलव से छूटते हैं, एक नंबर छूटते हैं, हमारे साथ भी हुआ था जब जीटी दशमलव से छूट गए, जीटी वाला बिहार प्रश्न पिछले दो बार से हम लोग छूट रहे थे, पता होगा जो अधिकतर लोगों को फिजिकल नहीं हो पाता था किसी कारण से नहीं हो पाता था। लेकिन तो हार मानने का मन करता है कि छोड़ दे, सब नहीं करें, कहीं चल जाए, बुढ़िया बिस्तर उठाए और कमाने माने चल जाए। लेकिन एक माँ बाप का एक सपना होता है सभी को कि उनका सपना पूरा करना होता है, तो हार नहीं मानना चाहिए। जब तक देह में दम है, जब तक हमारी इच्छा शक्ति है, जब तक उनके सपने को पूरा कर, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर जो लिखा हुआ होगा तो होगा ही होगा, चाहे जैसे हो, ठीक है। तो आप लोगों को सफलता से घबरा नहीं, अगर कुछ याद नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, एक बार नहीं याद होता है, एक बार कुछ नहीं बन जाता है, एक बार कुछ नहीं होता है। अगर दो बार पढ़ेंगे, चार बार, दस बार, याद तो होना ही होना है, आज हो कल हो, होगा ही। हाँ, क्या कहते हैं, कहीं ना कम नंबर आया, हमारे दोस्तों हमसे ज्यादा नंबर आता है, हमसे कम कम नंबर आता है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि कोई कुछ क्वेश्चन उनको आता होगा, हमको नहीं आता, ये उनको आता है, उनको एग्जाम में ऐसा कुछ आता है जो हमको आता है उनको नहीं आता है, उनको आता है उनको नहीं आता है, कुछ उनका सही होता है, मेरा गलत है, मेरे से उनका गलत हो जाता है, तो ऐसा होता है। तो ये और लेकिन अपने जो सहपाठी है इसे हमेशा कॉम्पिटिशन की भावना रखेंगे कि अगर वो ज्यादा नंबर आ रहा है तो कैसे हम उनकी बराबरी करें। जब तक हमारे ये भावना रहता है कि जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे निकट हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, कैसे उनके निकट पहुंचे या उनसे आगे बढ़े, ठीक है, हमेशा ये मन में बना कर रखें कि हमेशा जो हमारे जो निकट प्रतिद्वंदी हैं उनको हमेशा टक्कर दे, आगे रहे, उनसे आगे बढ़े, ठीक है। तो सफलता इस प्रकार कदम चुमेगी और इस प्रकार आप आगे बढ़ेंगे। असफलता से घबरा नहीं, असफलता मिलेगी, कितने लड़के होंगे आर्मी तैयारी करते होंगे, दौड़ में छूट जाते होंगे, कितने दौड़ पास करने के बाद मेडिकल में छूट जाते होंगे, उसके बाद इतना ही कर लिए तो सकता है मेरिट में छूट गए, और मेरिट छूटने के बाद हो सकता है कि कहीं तैयारी आप तैयारी में छोड़ देंगे। कुछ छोड़ना नहीं है हमारे दोस्त, उसको लगे रहना है, जब तक उसको हो नहीं जाता है, जब तक कुछ पकड़ लेते तब तक उसको छोड़ना नहीं है। हो सकता है एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, जब कभी कभी होता है कि जब अंतिम लास्ट के कुछ दिन मंथ बचता है तब जाप हो जाता है,
तो छोड़ना नहीं है, कभी भी हो सकता है, कभी किसी किस्म का पलट जाए, कहा नहीं आ सकता है। इसलिए आप अपना कंटिन्यू एक ही कहेंगे कि कंटिन्यू जो होता है अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, तैयारी पीछे छोड़ेंगे नहीं, और जब तक तैयारी से सफलता नहीं मिल जाती है तब तक उसका प्रयास करते रहेंगे। और हमारे कुछ लोग जब सफलता नहीं मिलती है तो हमारे आसपास बहुत से लोग कुछ कहते हैं कि क्या कर रहा है, दिन भर जाता है घूमने के बाद फिर जाता है घूमने जाता है, बढ़ता थोड़ी है, कुछ ऐसे कुछ कुछ कहते हैं, मतलब हमारा मॉरल डाउन करने के कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, हमारे बुराई करेंगे बहुत, हाँ हम लोग बहुत बुरे लड़के हैं, बहुत बदमाश देते हैं, जानते हैं कुछ को जानते हैं, लेकिन बदमाशी आपको उस समय सब खत्म हो जाएगा फिर आपको सफलता प्राप्त करेगा। सारा आपका जितना भी आप गंदा मतलब जो लोग आपका बुराई करते होंगे उनके मुंह पे का तमाशा पड़ेगा, इससे उनके मुंह बंद हो जाएगी, आप कितने ही बुरे हैं सबको असर नहीं पड़ता कितने भी बुरे, लेकिन अगर आप सफलता में जो आपको कल तक घुसता नहीं था वही घुसने लगेगा, जो कल तक हमसे टूटता नहीं था आज वही टूटने लगा है, ठीक है। तो इस बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन बस वही है कि आपको कंटिन्यू रहना है, और जब देखते जब तक पत्थर में जब तक घिसा जाता है जितना जबरदस्ती चलता है उतना घिसा जाता है, तो जब तक वहाँ जितना माइंड में ज्यादा घसेंगे उतना शांत होगा, और चार धार बना रहा होता है कितना उसको रगड़ रगड़ जाता है, हो सकता है उसमें टूट जाता है, लेकिन हम लोग को एकदम मजबूती से जब तक सफलता मिलेगा नहीं तब तक उसको पकड़ना है छोड़ना नहीं। बात में बहुत से लोग बहुत सा प्रॉब्लम होगा, आर्थिक रूप से परिवार बहुत सा प्रॉब्लम होता है, हमारे बहुत जो जानते होंगे हमें बहुत प्रॉब्लम आया था अपनी लाइफ, बहुत जीवन बहुत था बुरा क्या जानते हैं सही बात हमारे बारे में, लेकिन इतना विशेष क्या कहें, लेकिन वही है कि जब तक कुछ कर नहीं लेते हैं तब तक आप असफल हैं, और लोग बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ सुनना ही पड़ता है, हमको भी सुनना पड़ता है, और बहुत दुनिया बहुत कुछ कहता है, इसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन अपना जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य पर एकदम ध्यान रखना चाहिए। एक अर्जुन के बारे में सुने होंगे आप लोग, तो अर्जुन उनके जो गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य थे, उनका बहुत शिष्य था, शिष्य थे, और जब एक पेड़ उनके पास गए तो सभी को लेकर उन्हें सबसे बहुत कौन है, तो सब बोले कि हमें उनका पुत्र भी था द्रोणाचार्य का, अश्वत्थ था उनका पुत्र था, और सभी लोग थे, तो सब बोले कि एक फल कुछ फल था ये चिड़िया चिड़िया उसकी आंख में फल आना था, तो सबको पूछे कि क्या दिख रहा है, कोई बोला पत्ता दिख रहा है, कोई बोला फल दिख रहा है, कोई बोला गुरु जी आपका चरण दिख रहा है, लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है, बोले गुरु जी हमें तो सिर्फ उस चिड़िया का आंख दिख रहा है, इस पर पैसा लगाना है, तो उनका जो लक्ष्य था वो एकदम फिक्स था, चाहे कुछ भी हो जाए हमको अपना लक्ष्य पे ध्यान देना है, ठीक है, जब तक हम लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर देते हैं तब तक हमको उस पे अड़े रहना, ठीक है। और सफलता एक दिन की चीज नहीं है, भैया बता ही चुके हैं, एक दिन में नहीं मिलती है, बहुत उसकी तपस्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मिलेगी जरूर, एक दिन मिलेगी जरूर, जब तक हम कंटिन्यू रहते हैं बीच में छोड़ते नहीं है किसी का, बस कोई घटना हो लेकिन अपना जो है पढ़ाई अगर जारी रखते हैं तो एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, चाहे छोटा मिले बड़ा मिले, मिलना होता है चाहे जो मिले, ठीक है। तो एक शायर है कि मंजिल ने हौसले से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आके डाला जल जुटी तेरी दुनिया का। लेकिन हमने हौसला नहीं हारा, और आप लोग भी यही उम्मीद करेंगे, आप लोग जब तक जो आपका दिल में जुनून है कि हमको ये पाना है जब तक वो पा नहीं लीजिएगा तब तक हम पंछी को बने रहना है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, तो परेशानियां तो आएगी, परेशानियों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन हमको उसको भूल करना ये आर्ट ऑफ लाइफ होता है, कला होता है, कैसे उसको भूल करें, बाकी किसी में बहुत बुरा मिलता है, कहते हैं मतलब पेड़ में कांटा होता है गुलाब फूल कितना कांटा होता है लेकिन कितना अच्छा लगता है, तो मुझे ध्यान देना है, मतलब जूनियर से सीखना होता जूनियर से सीखते हैं, इसमें कोई गर्व नहीं की हमसे कहेगा की हमको बहुत सीनियर नहीं आता, कोई बात नहीं, तो जूनियर है उससे सीखने का प्रयास करेंगे, हम सीनियर हैं उनसे पूछ सकते हैं कि हमको नहीं जो नहीं आता है, तो अगर सीखना है कुछ करना है तो उनसे सीखना ही पड़ेगा, हमने भी अपने बहुत में से जूनियर सीनियर से सीखा है, और सीनियर से भी सीखा है, भैया से बहुत सीखे हैं, तो
आपने जब तक सीखते नहीं, जब तक लग जो है, जब तक हमेशा कुछ ना कुछ और पर नया चीज सिखाते रहता है, ठीक है। आज एक नया क्वेश्चन सीख लीजिए, मान लीजिए 100 क्वेश्चन पड़े यार एग्जाम में, वही क्वेश्चन मिल गया, कोई छोटा बोला और एग्जाम में जाकर गए वही क्वेश्चन मिल गया, हो सकता है। इसलिए हमेशा जो है एक नया चीज सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करेंगे। जब तक आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक छोटा नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। रह गए उसके बाद बिहार कांस्टेबल में रह गए, अगर वहाँ होता तो आज यहाँ नहीं रहते। तो एक बात जान लीजिए, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप ये बात मान लेने लगेगा कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। बस केवल 24 विद्यार्थी का सिलेक्शन होता है, एपीजे अब्दुल कलाम 25वें रैंक पे थे, सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं जी। उसी दिन इमली और समोसा का पार्टी दिए और बोले कि अब तैयारी बेहतर होगी, और वही कटे का लंबे युगों वाला भारत का राष्ट्र अधिक डिजाइन बैन के नाम से जाना गया। सिलेक्शन में हम इसका ही मतलब नहीं कि आप जो कोई उंगली उठाए, उंगली उठाने वाले की चार उंगलियां उसके तरफ होती है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी चीज से चूक रहे हैं, थोड़ी बहुत कमियां है, दूर कीजिए, आगे बढ़िए जी। अरे आप इंसान में पैदा लिए, चांद को अपने जेब में नहीं ढूंढ सकते हो। परिस्थिति और बेहतर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और हालांकि सिलेक्शन 2213 विद्यार्थी का हुआ बिहार दरोगा में, लेकिन अतुल कुमार का रोल सुनने के बाद जो सुकून हमको मिला शायद सबसे हम बयान नहीं कर सकते हैं। और अब अरे भाई कहिए, दूध कहिए, दूधी कहिए, ये बोला बिना माइके का क्लिप है, आदत बनेगा नहीं। चलिए एक बार जोरदार तालियां। अतुल कुमार पेशे से शिक्षक है, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये आपके दिल में बोलने के लिए शाहजहां के बारे में हम बता रहे हैं। इनके कहने का ही मतलब है कि प्रैक्टिस से डेली होना चाहिए, और दोनों सभी भी कोई भी सफल हो जाए आपको एक ही बात कहेंगे, निरंतरता, कंटिन्यूअसली, एकदम रेगुलर। आंधी आए, तूफान आए, आज लाइट नहीं है, बारिश नहीं है, शादी है, ब्याह है, पर्व है, ईद है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, वो इस साल भी होगा, अगले साल भी होगा, उससे अगले भी होगा, आप चिंता नहीं थे, नहीं रहिएगा तब भी होगा, आपके जीवन से पहले भी होगा, वो एकदम कंटिन्यू होगा, लेकिन आपकी तैयारी, आपका उम्र एक सीमा तक होगा, उस बात को फॉलो करना है, बार बार मॉक टेस्ट देना है किसी एक चीज को, या तो कोई बुक हो, क्लास नोट्स हो, या कोई भी चीज हो, किसी एक पैटर्न को फॉलो करना है, दिल से फॉलो करना है, दिल से जी, एकदम मन से, कि इससे बेहतर कुछ नहीं। जैसा बताया ना कि चिड़िया का आंख दिखना चाहिए, अभी उनका तो सपना था वर्दी दिखना चाहिए, हाँ जी, भगवान चाहे तो वर्दी पर सितारा भी लग गया, और कहावत है कि दो सितारे कंधे पर आसमान के हजारों से बेहतर है। दोनों की मनोपोली बताते हैं, क्लास में भी कहते हैं, क्लास में भी वो खुशी का पल है ना, आप मुंह से बोल सकते हैं ना, दिल से बता सकते हैं ना, जाया कर सकते हैं। जिस दिन आपका रिजल्ट होगा, अतुल को हम फोन किए, रो रहा था, हम बोले काहे रे ऐसा काहे, बोला कि निकल गया ना जी, निकल नहीं जाता है, कुछ चीजें होती हैं जो भावना से जुड़ी होती हैं। आप वो पल को फील कीजिए जब आपके माता पिता आपके बारे में सुनेंगे कि अंतिम तौर पे सिलेक्शन हो गया, शब्द कम पड़ जाएगा जी, क्या होगा नहीं होगा छोड़ दीजिए, अब वर्दी पहन के आए, मुंगेर वाला पिस्टल कमर में, कितना बेजोर लगेगा जी, चुरा के चलाते होंगे, सोचिए जी, वो पल को, वो मोमेंट को अपने अंदर लाइए, इच्छा शक्ति कैसे नहीं जागेगी पढ़ने की, एक बार सोच के तो देखिए वो पल को, आप अपने आप को आंक के तो देखिए कि वो पल कैसा होगा जब हम जाएंगे सिलेक्शन के बाद अपने घर पे। बहुत दुख की बात है, और बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि अतुल के अभिभावक नहीं है, लेकिन एक बात तय रखिए जी, अभिभावक नहीं है तो ऐसा नहीं है कि भगवान अकेला छोड़े हैं, आने वाली पीढ़ी मिसाल देगी, सज्जाद का मिसाल देगी, अतुल कुमार का मिसाल देगी, तमाम उन लोगों का
जो अंतिम रूप से सेलेक्ट हुए हैं, आप में से कोई भी टाटा बिरला नहीं है जी, सब एक मध्यम परिवार से किसान वर्गीय है या एकदम मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं। अंतिम और अंतिम तौर पे आपका एक ही उपाय है कि आप पढ़िए। शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है, जो जो पिया है वो दहारा है, हमेशा याद रखिए। और सर जी को कहेंगे दो चार सब आप अपने तरीके से बताए कि सफलता और असफलता के संबंध में, यानी संकल्प, यानी कोई भी व्यक्ति जैसे अतुल जी बताए कि हम संकल्प ले लिए थे कि मुझे वर्दी पहनना है, लेकिन इसके आगे कोई विकल्प ही नहीं दिए थे। होता है ना कि हम एक विकल्प भी खोज लिए बगल में, ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, तो संकल्पित होना है आपने कि मुझे ये चीज करना है। अगर उसका विकल्प खोज लिए तो संकल्प जो लिए थे इसकी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जो भी संकल्पित है, संकल्प के साथ और आत्मविश्वास के साथ और निरंतरता के साथ नियमित अध्ययन यदि आप करिएगा तो सफलता निश्चित ही आपके समक्ष होगी। और जहाँ तक एक रणनीति होता है कोई भी एग्जाम को निकालने का, सही पैटर्न होना चाहिए, जैसे इन्होंने बोला कि नियमित टेस्ट हो या प्रैक्टिस सेट हो, उसका क्या सिलेबस है उससे हम अवगत हों, और उसके आधार पर यदि हम तैयारी करते हैं तो सफलता क्या होगी निश्चित ही होगी। यही तो गुरु मंत्र है इसका, और इसमें विशेष करना क्या है, निरंतरता जरूरी है, तभी आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा। आत्मविश्वास को पैदा करने के लिए आपको निरंतरता होना जरूरी है और पढ़ाई के प्रति लगाव। जब समझेंगे, लगाव होगा तो समझेंगे, समझेंगे तो क्या होगा, आत्मविश्वास पैदा होगा, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या करेगा आपको सफलता दिलाएगा। यही है सफलता का मूल, और विशेष मैं कुछ नहीं करना चाहूंगा। जरूरी है, देखिए जी आज भले आप लोग हम जानते हैं बहुत देर जी तरसेगा वो काशी जगह हम रहते है जी, आप रहिएगा एक ना एक दिन निश्चित तौर पे, और अतुल बाबू को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पढ़े फिर कल भी पढ़ना है, परसों भी पढ़ना है, और जैसे इसका तैयारी करते सेट तो रोज मानना ही मानना है, अधिक से एक तो मार देखे जितना कम कंटिन्यू है कि फिर से कम एक मारी, और अधिक से जितना ज्यादा से ज्यादा मार सकते हैं उतना ज्यादा फायदा करेगा, जितना ज्यादा मार सकते हैं, और ज्यादा देखो दो तीन तो मार ही सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी अब तक उपलब्ध है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, जिस तरह मार सकते मार सकते हैं, और जिस जितना ज्यादा मारिएगा जितना ज्यादा आप बचिएगा, और जितना ज्यादा बचने का प्रयास कीजिए कि जितना कितना समय बच रहेगा आपके पास, वो मायने रखता है कितना समय बच रहे, बचना बहुत मायने रखता है। अब नहीं पढ़िएगा निकिता के पास बैठ रहिएगा ना, कुछ ना कुछ तो अपने ध्यान आँख पे जाइए, अगर चल गया वही कीजिए एग्जाम, हम बताते हैं मैं जब गए थे तो हम ऐसी किताब सुन रहा है 3% का लेसन गया था, उसमें क्वेश्चन था कैल्शियम वाला कुछ क्वेश्चन था, तो ऐसे उठा रहे थे बस हमको ध्यान नजर आया कैल्शियम था वहाँ पर, एग्जाम में वही मार दी, वही आंसर मारे और सही भी हो गया, ठीक है, तो हो सकता है किताब बचे वो तो पेज अपने भी कर सकता है, अगर अगर नजर हमारा पड़ गया अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया हमारे लिए बेनिफिट है ना, एक नंबर से हो सकता है बन भी सकता है छूट भी सकता है, ठीक है, तो हो सकता है वही कहेंगे कि आप जितना से ज़्यादा किताब पास बैठिए, समय दीजिए उसको, जितना आप उसको समय दीजिएगा उतना ज़्यादा आपको वो देगा, ठीक है, इसलिए आप उसके पास ज़्यादा बैठिए समय दीजिए, और प्रैक्टिस सेट तो कंटिन्यू है, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं चाहे जो रेलवे हो गुरुदी हो एस एस सी हो जो भी हो उसका रोज प्रैक्टिस एक दो रोज मारिए, ठीक है, यही तैयारी करने का नहीं स्टूडेंट हुआ करते थे, और खास बात है कि सब स्टूडेंट गंजी हाफ पैंट में रहा करते थे, अरे सुबह की बात है फिजिकल करके आते थे हम भी सो के उठते थे बताते थे, तो वहाँ लोग हंसते थे जी, देख के हंसते थे कि पता नहीं जो स्टूडेंट सब किस रवैये का है, टी शर्ट पैंट में ही पढ़ना शुरू कर देता है, एकाध रह गए होंगे उस 12-13 में, बाकी सब सेटल है जी, सब सरकारी वेतन, अब आते हैं ना, हाँ जी अब आते हैं तो कोई नहीं कहता कि यही लड़का जो गंजी हाफ पैंट में पढ़ता था, ऐसा कोई बात नहीं है, पढ़ने का एकदम तरीका बनाइए, हर रोज पढ़िए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट
आप लोग टेस्ट से नहीं भागिए जी, एकदम किसी भी सफलता का ब्रह्मास्त्र है पेनासिया है, टेस्ट से भागिएगा एग्जाम फ्लॉप होगा आपसे। कोई और आप लोग जी, अरे बढ़िया मौका है जी, गर्ल्स लोग का कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए यूट्यूब पर डलाएगा लिखा जाएगा लड्डू है लड्डू कुछ पूछना है जी आप लोगों को बताते हैं कि एक बार बारात गए थे, कहीं ध्यान नहीं है किन्हीं किन्हीं मित्र का या किन्हीं सीनियर का बारात गए थे, साथ में भी थे, तो हम बोले क्या कि रात में चलना है और सुबह पहुंचेंगे, पैसा सा बात है सोना भी है। अतुल कहता है कि क्लास भैया क्लास का क्या, बोले छुट्टी दे देंगे या फिर होगा तो लेट से पढ़ाएंगे, लेकिन ये कहता है कि हम तो नहीं सो पाएंगे, तो क्यों, सुबह पढ़ना है कंटिन्यूअसली, इसको कहते हैं जी निरंतरता जो होता है। सज्जाद के बारे में बताते हैं, ज्यादा घनिष्ठता तो नहीं रहा क्योंकि इसके चाचा हमारे बैचमेट थे, तो कभी कभी मिलते थे तो बताते थे क्या है नहीं है कैसे क्या है। एक बार भी एक बार क्रिकेट का बहुत बड़ा आशिक, समझते हैं जी क्रिकेट इंडिया में धर्म माना जाता है, बहुत कुछ माना जाता है, भगवान से भी कहीं कहीं उसके पैरेलल दर्जा दिया जाता है, क्रिकेट का आशिक। छुट्टी में आता था, क्रिकेट खेलने से पहले हाथ में बुक और मैच खत्म होने के बाद भी हाथ में किताब, रिवीजन मॉक देना, और कभी भी मिलते थे तो ये नहीं कि क्या हालचाल है, अभी करंट अफेयर्स पे बात होता था, क्या मुद्दा है क्या नहीं है, तैयारी होती थी, संकल्प जैसा कि दोनों आदमी बताए एकदम दृढ़ संकल्प, यस आई कैन डू, अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, जब तक ई मॉरलिटी ई इंस्पिरेशन आपके अंदर नहीं आएगा आप तैयारी में कमजोर है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हमसे बेहतर और हमसे बढ़िया हमसे पहले कोई नहीं कर सकता। एक बार करके तो देखिए जी, सिलेक्शन और कोई बड़ा चीज थोड़ी है, बस आपके जहां पर आपकी तैयारी और एग्जाम का पैटर्न मैच कर गया, सिलेक्शन उसी दिन आपके पास है। यानी समय लगता है, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, लेकिन लगता है तो एक बार जान लीजिए, एक बार लगा के तो देखिए, आपके बदन पे वर्दी होगा, सरकारी तनख्वाह होगा, खूब बढ़िया जी, जितना पीछे गंदा काम पाप जो कि कांड आप लोग कांड करते हैं वो सब छप जाएगा एक ही बार में, लोग कहेंगे सबसे बढ़िया यही है, और ऐसा ही होता है, मनोवृत्ति है। और हम सब लोगों से आशा उम्मीद करते हैं, सभी लोगों से आप अपनी तैयारी करें, कुछ सीख के जी, आप ही के बीच का लड़का है, आप ही के बीच का भाई है, बंधु है, दोस्त है, बहुत का तो टीचर भी होगा, कौन कौन है जी, अच्छा कौन कौन पढ़े हुए अतुल सर जी से गर्ल्स में जी, अरे कोई बात नहीं सर जी है, आप सबके लिए सर जी हो गए जी, पहले सबके लिए थे, अब सबको सर जी बुलाइएगा, और आशा उम्मीद आप लोगों से भी करते हैं कि आप लोग भी आज न कल, हम उम्मीद करते हैं कि हर रोज आने वाली जब भी वैकेंसी रिजल्ट आए तो यहाँ पर आज इन दोनों मौजूद है, कल आप में से कोई मौजूद रहिएगा, बहुत खुशी मिलेगी, बहुत धन्यवाद।